आज मधुपुर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को लेकर के रांची की टीम भी अब मधुपुर पहुंचने लगी है। जी हां, रांची से साझा मंच माही की टीम साथ ही जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के सदस्य यहां पहुंचे हुए हैं और यहां के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए प्रचार प्रसार में लग गए हैं। बात करेंगे, यहाँ टीम में लगभग 10 सदस्यों की टीम है और ये टीम लगातार मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह घूमकर प्रचार प्रसार कर रही है। किस रूप में देख रहे हैं, जब ग्रामीणों से मिल रहे हैं, जो मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनका रुझान किस प्रकार है, बात करेंगे बारी बारी से। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम दानिश है। घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, माहौल और रुझान को देखते हुए एक तरफा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान जो हमारे यहाँ के MLA साहब हैं, जिस तरह का काम किया है उन्होंने, खास करके मंदिरों का सौंदर्यीकरण, रोड सड़क का निर्माण, गलियों का निर्माण, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता जो है खूब भरपूर हर तरीके से उनका साथ दे रही है और हम लोग भी उनके कार्य को देखते हुए और उनके जो आने वाले विजन्स हैं उनको देखते हुए हम लोग उनके साथ चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता भी पूरी साथ दे रही है और हम लोग भी साथ में। गांव-गांव घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कह रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं? गांव में जो हम लोग देख रहे हैं इस बार, बहुत रोष है, बहुत यानी कि जज्बे के साथ आदमी यानी कि लगे हुए हैं और चाहते हैं कि JMM की सरकार दोबारा आए। जैसे ये देखिएगा कि मैया सम्मान योजना और बहुत सा चीज जो ये अबुआ आवास और ये सब जो किए हैं ये मुख्यमंत्री, क्योंकि वक्त बहुत कम मिला लेकिन बहुत कम टाइम में ही बहुत काम किए हैं, रोड नाली फलना ढिकना ये सब बहुत चीज कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं अब्रार भाई, किस रूप में देख रहे हैं, जब मिल रहे हैं लोगों से, क्या रुझान? आपको लगता है कि ये मधुपुर है, यहाँ घूमना फिरना लोगों से मिलना अपने आप में बड़ा खुशगवार जो है एक अमल है, एक खुशगवार जो है माहौल पैदा होता है। और ये मधुपुर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये एक हमारी जो है मिली जुली संस्कृति इसकी मिसाल है, एक सुसंस्कारी जगह है और यहाँ की संस्कृति जो है ये बहुरंगी संस्कृति है और एक ऐतिहासिक जगह है। जैसे कि चित्तौड़ की शूटिंग यहाँ हुई थी फिल्म की और हेमंत कुमार जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो जब बिल्कुल फुर्सत के लम्हे में जब म्यूज़िक कंपोज करना जब होता था तो वो यहाँ आया करते थे। प्लस ये मंदिरों का खानकाहों का भी जगह है और लोग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। जहाँ तक कि यहाँ के विधायक की बात है, हफीज़ुल हसन साहब हाजी हुसैन अंसारी साहब के जो है वरासत के अमीन है और उसको बरकरार रखे हुए हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, एक सवाल तो ये है, वो हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हफीज़ुल हसन साहब एक विधायक के रूप में इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है JMM का सपोर्ट करते हैं और जो है हेमंत सोरेन जी को, कल्पना सोरेन को हम लोग जो है उसकी हिमायत करते हैं, उसको पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हफीज़ुल हसन साहब ने भी जो है एक मंत्री की हैसियत से जो काम किया है अपने इलाके में, तो जो काम किया है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा पूरे झारखंड में इन्होंने जो काम किया है, तो हम लोग को लगता है कि मधुपुर के लोगों ने एक अच्छा विधायक दिया है जो वहाँ जा करके मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं, एक अच्छे मंत्री साबित हो रहे हैं, अब पूरे झारखंड के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। ये मधुपुर के लोगों का एक एहसान जो है पूरे झारखंड के आवाम पर है कि उन्होंने एक ऐसा विधायक दिया है जो मंत्री बन करके पूरे झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में भी हफीज़ुल हसन ही साहब को यहाँ से विधायक बना करके भेजें, एक ऐसे आदमी को जो बहुत संजीदगी से बात करता है, बहुत ही नरमी से बात करता है और लोगों के काम आता है। अभी मैं सुन रहा था कुछ और जो है जो उम्मीदवार है उनकी बातें सुन रहा था, उससे बड़ी अफसोस होती है, भाषा की मर्यादा वो लोग नहीं रखते हैं और गलत ढंग से जो है बात करते हैं। ऐसे लोग जो है इस खूबसूरत जगह की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं? यहाँ के लिए हफीज़ुल हसन सही आदमी है और हमको लगता है कि उनका चुनाव होना चाहिए और यहाँ के लोग भी जो है शायद यही मन बना रहे हैं। साफ तौर पर आप लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि विकास हुआ है, कहीं विकास कुछ दिख रहा है? अभी हम लोगों ने बहुत सारे गांवों को घूमा, बहुत सारे NGO है, उन लोगों से मिला, तो सभी लोगों का यही है कि उन्होंने काम किया है,
काम के बुनियाद पर लोग हर जाति हर धर्म के लोग वोट दे रहे हैं इनको। आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों का? यहाँ पे तो पूरा जीएमएम का ही रुझान है। मंत्री जो हफीजुल अंसारी साहब ने जो काम किया है और उनका जो यानी ये है मिलना जुलना लोगों से, ये उसको बहुत प्रभावित किया है, इसलिए आसानी से जीत रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या विपक्ष तो 2014 से हम लोग विपक्ष को देख रहे हैं, वादा ही किए हैं सिर्फ वो और कुछ नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी बोले थे कि 15 लाख आ जाएगा, अभी तक तो हम लोग को 15 रुपया नहीं मिलने देखने को मिला है। अभी तो विपक्ष का तो सिर्फ काम ही है वादा ये करना, वादा करना। अमित शाह तो खुद अपना इंटरव्यू में आप ही लोग के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से वो तो कहे थे ये जुमला है, तो जो भी है ये जुमला की सरकार है, ये जुमलाबाज है, इन लोग से तो कुछ होगा नहीं। नेता का मतलब ये हुआ, विधायक जो लीडर होते हैं उनका मतलब ये हुआ कि आपके लिए 24/7 आपके लिए खड़ा हो। और हफीजुल अंसारी साहब ऐसे हैं, इवन मधुपुर तो खैर उनका क्षेत्र है, वो रांची में, हम लोग रांची से आए हैं, हमारे गार्जियन इब्रार साहब के साथ हम लोग आए हैं। ये वो जिस वक्त हम लोग रांची में उनसे जब चाहते हैं मुलाकात करने के लिए, अगर वो अवेलेबल हैं तो फौरन मिलते हैं, तो नेता उनको कहा जाता है। तो हम लोग उनके लिए मतलब हर लाइन से, आज देखिए अपना सारा काम छोड़ के उनके लिए हम लोग आए हैं यहाँ, तो कुछ तो कुछ बात तो है, तभी तो आए हैं। तो ही इज द बेस्ट, थैंक यू। घुसपैठियों की बात भाजपा हमेशा कर रही है, क्या लगता है झारखंड में घुसपैठियां है? ये बेबुनियाद आरोप है। अगर घुसपैठियां है अगर झारखंड में, तो सीमा सुरक्षा का जिम्मेदारी किस पे होता है? झारखंड का जो देखिएगा, झारखंड का जो मैप देखिएगा, डेमोग्राफी देखिएगा, तो किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से इसका सीमा नहीं लगता है। और बेबुनियाद इस तरह से करता है, अगर ऐसा होता है तो केंद्र का नाकामी है, ना कि राज्य सरकार का। ये घुसपैठिया का मुद्दा सरासर गलत है, बेबुनियाद है। यहाँ विपक्ष को बेसिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि ये अनर्गल बयान दे करके, झूठ मूठ का पोलराइजेशन कर करके, हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना चाहिए। तो साफ तौर पर में ये टीम जो आई है क्षेत्र के विभिन्न गांवों, विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण की है, और जो चीज वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो की उपलब्ध है, जो विकास का काम किया गया है इन बीते 3 वर्षों में, 3 वर्ष काम करने का मौका हफीजुल जी को मिला, तो उससे भी काफी प्रभावित है। और जो लोगों से बातचीत की, सभी धर्म सभी जाति के लोग उनके प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं, जैसा इन सबों का मानना है। अपने सहयोगी प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज, मधुपुर। मधुपुर शहर का मशहूर और ख्याति प्राप्त भारतवाज ऑप्टिकल्स अब आ गया है थाना रोड स्थित कबीर प्लाजा मार्केट के नीचे नए शोरूम के शक्ल में, जहां पर विभिन्न कंपनियों की घड़ियां जिनमें टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, डिजिटल क्लॉक, अजंता, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जो कि आप शादी विवाह और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने व आधुनिक मॉडर्न जमाने का स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। इसके साथ ही शोरूम में आपके चेहरे की सुंदरता और आंखों की हिफाजत तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न अत्याधुनिक कंपनियों के सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेस, क्लारा, क्रेजल, नोवा, स्टेट प्लस, फ्लोराइड, जीज, एसी पॉल, ब्लू रे, स्टॉप, ब्लू कट, ब्लू कॉटन की कंपनियां की ग्लासेस भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली फ्रेम नामी गिनामी कंपनियों के टाइटन, जी प्लस, फास्ट ट्रैक, रेबन, डबर, हेजल, क्रेस्ट, वेलोसिटी, लॉरेल डेल, सेंट मार्क्स, वॉक की फ्रेमें भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों में होने वाली किसी तरह की समस्या व उसके समाधान तथा इलाज के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा प्रत्येक रविवार को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।